दोस्तों देख सकते हैं अयोध्या का चौक, ये जो नया यहाँ पे नया घाट का रास्ता है सामने की तरफ जो जाता है, और इस तरफ देख सकते हैं बड़ी बड़ी एलईडी लाइटें लगी हुई हैं और पूरी तरीके से इस रोड को बैरिकेड कर दें क्योंकि यहाँ की सफाई होनी है, और हर तरीके का रास्ता यहाँ पे बंद कर दिए हैं। लोग आगमन बिल्कुल भी बंद है, आप सिर्फ जो फैजाबाद का बाईपास है उस तरफ से आकर फैजाबाद सिटी को जा सकते हैं, जो गोरखपुर बाईपास है उस तरफ से आकर और शहर की तरफ जा सकते हैं। इस घोड़ा मार्ग को बंद कर दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ प्रशासन के लोग का ही आना जो है हो सकता है, यहाँ पर उन्हीं लोगों के लिए इस गेट को खोला जा रहा है। और यह फैजाबाद का मार्ग है, इस तरफ में है गोरखपुर जो हाईवे से रोड आता है अयोध्या के लिए, और ये गोड़ा के लिए जाता है, ये वाला रोड रास्ता है। इस तरफ है नया घाट, तो हम चल रहे हैं आप लोगों को नए घाट की तरफ और उधर दिखाते हैं, और जो है जो नया घाट बना हुआ उस तरफ जा रहे हैं नए घाट की तरफ, और देख सकते हैं पीछे की तरफ रोड के काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग लगे हुए हैं पूरी तरीके से सफाई करने में। जो किनारे किनारे की वॉल बनी हुई है इसको भी पेंट किया जा रहा है, और हम चल रहे हैं नए घाट की तरफ। नया घाट जस्ट आने ही वाला है, तो आपको हम नए घाट पे दिखाते हैं। पहले इस तरफ कोई भी सीढ़ियाँ नहीं थी, अभी इसको बना दिया गया है पक्का घाट। देख सकते हैं यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, देख सकते हैं माँ सरयू का किनारा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान भी कर रहे हैं। इस तरफ है वो घोड़ा का जो घोड़ा जाता है रोड, और इस तरफ में है रेलवे लाइन जो गोरखपुर जाती है मनकापुर और घोड़ा की भी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरने वाला है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसको पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है, और बीच में जो प्लेस दिख रहा है यहीं पर हेलीकॉप्टर लैंड प्लेस है। ये सरयू नदी का ये किनारा है, यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया जिससे कोई भी अंदर जा ना पाए। इस तरफ देख सकते हैं सरयू अतिथिगृह है जहाँ पर मुख्यमंत्री जी रुकेंगे, और इस तरफ है राम कथा पार्क, ये भी रामायण का यहाँ पे चित्र प्रदर्शनी होनी है और वहाँ पर लगा हुआ है समंदर में। तो दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है माननीय चौधरी अजीत सिंह जी की प्रतिमा है, और सिंचाई विभाग के उत्तर प्रदेश के मंत्री थे। और इस तरफ देख सकते हो राम की पैड़ी का जो घाट है। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ से जो राम की पैड़ी में पानी छोड़ा जाता है और फिर से आके उस सरयू में मिलता है। सामने देख रहे हैं ये घोड़ा का जो भी रेलवे लाइन है जाती है अयोध्या से घोड़ा के लिए, और सामने सरयू नदी है जहाँ पर ये पानी फिर से जाके मिलता है इस तरफ के इस तरीके से आके। और इस तरफ है राम की पैड़ी, सामने देख सकते हैं जो उस तरफ भी राम की पैड़ी है, इसके बाद रोड है जो अयोध्या गोरखपुर रोड से जुड़ता है। ये देख सकते हैं दोस्तों जिसमें कभी कोई आचमन नहीं करता था, जिस जल में जिसमें काई लगी रहती थी उसमें आज लोग स्नान कर रहे हैं। वीर राम की पैड़ी यहाँ से काफ़ी दूर है जो मुख्य पैड़ी है, और ये उसी से जुड़ा हुआ है, ये भी राम की पैड़ी है, तो आज इसमें लोग स्नान कर रहे हैं। इसमें कभी लोग स्नान नहीं करते थे, इतना गंदा पानी हुआ करता था, पर अब स्वच्छ पानी है एकदम। आने वाले समय में दोस्तों पर्यटन के क्षेत्र में अयोध्या का पूरे विश्व के पटल पर नाम होगा, और अयोध्या इस तरीके से सजाई जा रही है। अयोध्या का एक नया नाम, एक नया रिकॉर्ड तो हो ही चुका है, लेकिन फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है अयोध्या। देख सकते हैं जो हमारे सामने ये घर दिख रहा है, और इसको जो है पूरे मार्बल्स इसमें टाइल्स लगाई गई हैं, और इसमें टेंट भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि यहीं पर बगल में ही अतिथिगिरी है, तो यहाँ पर रुकने की सुविधा होगी जो भी अतिथि यहाँ के होंगे। और इसको यहाँ पे पूरे चित्रकारी रामायण का दृश्य दिखाया जाएगा। दोस्तों इस तरफ देख सकते हैं ये जो पहले झक्की झोपड़ियाँ हुआ करती थी, और सामने जो ये रोड दिख रहा है ये बाउंड्री वाल दिख रहा है, रोड का है, और ये मुख्य अतिथिगृह से सीधे नए घाट सीधे उस मेन रोड में मिलेगा जो नए घाट की तरफ जाता है घोड़ा का। और यहाँ पे कल तक छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ थी जहाँ पे लोग रहते थे, देख सकते हैं प्रशासन ने उन सबको गिरा दिया है, यहाँ से हटा दिया है उन लोगों को, और यहाँ पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है, जगह को पूरा समतल कर दिया गया है, पूरा खाली हो चुका है, और यहाँ पे उन बस्तियों को उजाड़ दी गई है, देख सकते हैं उसका मलबा भी पड़ा है समतल।